जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, लेकिन उसका जो मैग्नेट है या जो उसका मैग्नेटिक एक्सिस है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस से डिफरेंट है। अब ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या है इसको समझते हैं। आप देखेंगे मैंने एक फिगर बनाया है, सपोज ये अर्थ है ना, और यहां पर मैंने एक एक्सिस दिखाया है, इसको कहा जाता है कि ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट अर्थ जो है वो रोटेशन करता है, जिससे कि डे और नाइट जो है वो चेंज होते रहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट ये 24 आवर के टाइम पीरियड के साथ में रिवॉल्यूशन जो है ये करता रहता है। तो ये जो है मान लिया कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इसको कहेंगे ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल, और इसको कहेंगे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, है ना। ये हो गया ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वो एक्सिस है नॉर्थ साउथ वाला, जिसके अबाउट अर्थ जो है ऐसे रोटेशन करता रहता है। ठीक, आप देखेंगे कि यहां भी एक एक्सिस दिखाया है, इस एक्सिस के अबाउट कोई रोटेशन नहीं होता, ये जो है ये एक्चुअली में मैग्नेटिक एक्सिस है। अर्थ जो है अगर इसको एक मैग्नेट माना जाए तो मैग्नेट का एक्सिस जो होता है वो नॉर्थ साउथ पोल से पास करता है, तो ये है मैग्नेटिक एक्सिस। अब पूरा अर्थ को मैग्नेट नहीं माना जाता, ये जो एक्सिस है माना जाता है कि इसी के लॉन्ग अर्थ का जो है वो मैग्नेट है। तो जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है उधर मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, यहां पर साउथ पोल होता है और उसका जस्ट उल्टा जो है यहां पर नॉर्थ पोल होता है। ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और जो ऊपर वाला है ये हो गया मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक, तो कई बार हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें इनके जानकारी की जरूरत पड़ती है कि किस डायरेक्शन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पर। इसको जानने के लिए हमें कुछ जो है कुछ टर्म्स जानने होते हैं, जैसे कि एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन और एक होता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। जैसे कि कोई आदमी है वो इस अर्थ के सरफेस पर कहीं पर खड़ा है, मतलब अर्थ के सरफेस पर डिफरेंट पॉइंट्स पर जो मेरिडियन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि एक आदमी है जो कि अर्थ के सरफेस पर कहीं यहां पर ये खड़ा है, ठीक है, यहां पर खड़ा है, जैसे कि मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है। तो यहां से एक ऐसा हम लोग वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करेंगे जो कि अर्थ के ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास कर रहा होगा। अगर मैं ये मान लूं कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, हम लोग जिस नॉर्थ साउथ की बात करते हैं वो एक्चुअली में ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो जो एक्सिस होगा अर्थ का वो ऐसे ही पास करना चाहिए, कहीं अंदर से अर्थ के अंदर से पास कर रहा होगा। तो मैं यहां पर खड़ा हूं, अगर यहां पर मैं एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, वो वर्टिकल प्लेन अपने ज्योग्राफिकल एक्सिस से भी पास कर रहा है, मेरे यहां से भी इस पोजीशन से भी वो पास कर रहा है और अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर भी है। तो ऐसे प्लेन को हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन, है ना। ये जो टर्म होता है इसको कहा जाता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट अ प्लेस ऑन अर्थ सरफेस इज अ वर्टिकल प्लेन, a vertical plane passing through the geographical axis of earth। no. मतलब कि उस प्लेन उस जिस
प्लेस पर, जिस पॉइंट पर हमें ज्योग्राफिकल मेरिडियन निकालना होगा, वहां पर एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करेंगे जो कि ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास करा होगा। जैसे ये आदमी यहां पर खड़ा है, तो यहां पर एक वर्टिकल प्लेन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस टाइप का, है ना। ये जो है, ये जो वर्टिकल प्लेन है वो इस यहां पर अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर भी होगा, यानी कि वर्टिकल होगा, और ये नॉर्थ साउथ जो है अपना ये वाला इस ज्योग्राफिकल एक्सिस से भी पास करेगा। तो ये कुछ प्लेन हो गया मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा प्लेन हो गया। उसी तरह से अगर हमें निकालना होगा मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस ऑन अर्थ सरफेस इज अ वर्टिकल प्लेन एट दैट प्लेस पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ, है ना। यहां भी हम लोग, जैसे मैंने यहां पर ऐड किया कि सरफेस इज अ वर्टिकल प्लेन एट दैट प्लेस, यहां भी हम लोग लिख सकते हैं वर्टिकल प्लेन एट दैट प्लेस पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ अर्थ। तो इसका मतलब समझते हैं कि जैसे हमने क्या कहा कि इस पॉइंट पर एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करेंगे जो कि यहां पर वर्टिकल प्लेन भी होगा और ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास करेगा तो वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहलाएगा। इसी पॉइंट पर एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करेंगे और ये जो वर्टिकल प्लेन होगा, है ना, ये जो वर्टिकल प्लेन होगा वो मैग्नेटिक एक्सिस से पास करेगा तो उसको हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। मतलब ये आदमी जहां खड़ा है इस पॉइंट पर दो वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करने हैं। एक वर्टिकल पे जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो ये अगर नॉर्थ साउथ है, यानी ये ज्योग्राफिकल एक्सिस यहीं पर नीचे कहीं पास कर रहा होगा, तो यहां पर एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहलाएगा, है ना, ठीक है। इसके आसपास में ही कहीं अर्थ के अंदर से मैग्नेटिक एक्सिस मान लेते हैं कि इधर से पास कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो यही पर एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करूंगा जो कि मैग्नेटिक एक्सिस से भी पास कर रहा होगा, ठीक है। तो इसी पॉइंट पर मैंने दो वर्टिकल प्लेन ड्रॉ किए, एक वर्टिकल प्लेन ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास कर रहा है वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया, एक वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस से पास कर रहा है वो जो है मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। अब दोनों प्लेन जो है वो मेरे पास से गुजर रहे, ठीक है ना, एक वर्टिकल प्लेन ऐसे हो गया और एक वर्टिकल प्लेन ऐसे हो गया, ठीक है, तो ये वाला हो गया ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन, दोनों के बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि अगर किसी मैग्नेट को अगर फ्री रोटेशन के लिए छोड़ दिया जाए तो जा करके वो जो है, अगर कहीं भी छोड़ेंगे वो घूम करके जा करके मैग्नेटिक मेरिडियन में रुकेगा वो, है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में कहीं जा करके वो रुकता है। तो अगर ऐसा कहा जाए अ नीडिल, अ मैग्नेटिक नीडिल, मैग्नेटिक नीडिल फ्री टू रोटेट, फ्री टू रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस, इट ऑलवेज stays in equilibrium in magnetic meridian, magnetic meridian, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जैसे सपोज अपने पास ये मेरा हाथ जो है नीडिल है, इसको मैंने वर्टिकल एक्सिस ऐसे अगर रोटेट कर सकता है नीडिल, तो यानी एक एक्सिस ऐसे है तो ऐसे रोटेट करेगा,
तो एक्सिस तो वर्टिकल है, इस एक्सिस को और इसको रोटेट करने के लिए फ्री छोड़ दिया जाएगा। तो ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये वाला, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो नीडल को अगर फ्री छोड़ देंगे घूमने के लिए तो वो जाकर कहां रुकेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन में जाकर रुकेगा, ठीक है, हमेशा इसी प्लेन में जाकर कहीं रुकता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहां पर बताया कि जहां पर आदमी खड़ा है यहीं से दो वर्टिकल प्लेन ड्रॉ किए, एक वर्टिकल प्लेन ये वाला हो गया, है ना, इसको हमने कहा कि ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। ये वाला जो प्लेन मैंने दिखाया है ऐसे, ये है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, क्योंकि ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ जो एक्सिस है उस एक्सिस से ये पास कर रहा है, और ये जो दिखाया मैंने ये वाला प्लेन ये मैग्नेटिक एक्सिस से पास कर रहा है, इसी जहां पर ये आदमी खड़ा है उसी जगह पर अर्थ के सरफेस पर एक वर्टिकल प्लेन बनाना है जो कि मैग्नेटिक एक्सिस से भी पास करे, इसको हम लोग कहते हैं ये जो है मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जैसा कि मैंने बताया यहां पर कि अगर ये ज्योग्राफिकल एक्सिस ज्योग्राफिकल मेरिडियन है और ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो दोनों आकर के मेरे पास इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मेरे पास आकर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो दोनों के बीच का जो ये वाला एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। यहां पर देखेंगे ये मैग्नेटिक मेरिडियन है ये वाला प्लेन, और इसके पीछे जो दिखाया है ये प्लेन, ये वाला ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, दोनों के बीच का एंगल आप देखेंगे तो ये जो है इसको कहते हैं एंगल ऑफ डीप, मान लिया थीटा है ना, तो एंगल ऑफ डीप जो होता है, सॉरी इसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं, एंगल ऑफ डीप नहीं कहते, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन थीटा, है ना। इसका डिफिनेशन होता है, ये भी डिफाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, अलग अलग प्लेस पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो है वो अलग अलग होता है, एट ए प्लेस ऑन अर्थ सरफेस इज एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट प्लेस, उस प्लेस पर जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन मैंने ऐसे बताया यहां पर, है ना, ये हो गया ज्योग्राफिकल मेरिडियन, है ना, और एक ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना, दो प्लेन है, एक प्लेन ये दिख रहा है और एक पीछे एक प्लेन दिख रहा है, दोनों के बीच का जो एंगल है ये कहलाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसकी जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री तक वैरी करती है, इट्स वैल्यू वैरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 18 डिग्री एट डिफरेंट प्लेसेस। अब किस तरह से वैरी करता है आप समझ सकते हैं यहां पर फिगर में, है ना, जैसे आदमी यहां पर खड़ा है तो ये कुछ एंगल दिख रहा है, ठीक है, अगर ये आदमी कहीं जैसे यहां पर देखेंगे कि ये तो ज्योग्राफिकल ये एक्सिस है और ये वाला जो एक्सिस हमने दिखाया है ये वाला, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, अगर ये आदमी बिल्कुल यहां पर खड़ा हो, ठीक है, तो यहां पर जो वर्टिकल प्लेन इस एक्सिस से पास करेगा ज्योग्राफिकल एक्सिस से, वही वर्टिकल प्लेन इस मैग्नेटिक एक्सिस से ही पास करेगा, दोनों प्लेन कोइंसाइड कर गए, है ना, दोनों प्लेट कोइंसाइड कर गए तो इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा। जबकि अगर मैं ऐसा मान लूं यहां पर देखें कि ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, है ना, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, अब एक आदमी यहां पर खड़ा होता है, ठीक है, तो एक प्लेन ऐसा वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करूंगा
जो कि यहां पर ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास कर रहा है, इस प्लेन इस आदमी से भी पास कर रहा है, मतलब इस जगह से भी पास कर रहा है, और एक प्लेन मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा यहां पर ऐसे, ठीक है, मतलब एक प्लेन ऐसे जा रहा है, एक प्लेन ऐसे, दोनों वर्टिकल है, तो दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल सबसे बड़ा होगा यहां पर, ठीक है। तो ये आदमी जैसे जैसे इन दोनों के लाइन में चले जाएगा, दोनों एक लाइन में जब पड़ेंगे तो दोनों प्लेन कोइंसाइड कर गए, तो थीटा जीरो हो जाएगा, और यहां से क्या है सबसे ज्यादा ऐसे एंगल दिखेगा यहां पर 18 डिग्री का। तो जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है उसकी वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री तक वैरी करती है। अब मैंने कहा कि अगर किसी नीडिल को, मैग्नेटिक नीडिल को छोड़ दिया जाए तो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में रुकता है। जैसे ये अगर मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो अगर मैं नीडिल को, मैग्नेटिक नीडिल को छोड़ दूं तो इस प्लेन में आकर के रुक जाएगा। ये क्या है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन में भी जरूरी नहीं कि वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन एक ड्रॉ करता हूं, सपोज ये एक मैग्नेटिक मेरिडियन है किसी पोजीशन पर, ठीक, तो ये हॉरिजॉन्टल लॉ हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, ठीक है। तो हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं होता, किसी एंगल पर भी हो सकता है। जैसे कि मैं यहां कह रहा हूं कि अब यहां पर ये तो एक्सिस है, अगर यहां पर कोई नीडिल छोड़ा जाएगा इस पोजीशन पर, तो मैग्नेटिक नीडिल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, मैग्नेटिक नीडिल जो है वर्टिकल यहां पर दिखेगा, है ना, क्योंकि लाइन्स ऑफ फोर्सेज मैग्नेट से ऐसे निकलती है ऐसे, तो यहां पर मैग्नेट जो है वर्टिकल रहेगा, इधर जाएंगे तो ये झुकता जाएगा। तो उसी तरह से अगर मैं यहां पर एक नीडिल को छोड़ता हूं, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो इसमें जो नीडिल है वो कुछ हो सकता है कि किसी एंगल पर जा करके वो इक्विलिब्रियम में आ जाए ऐसे, ये नीडिल हो गया, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये मैग्नेट जो नीडिल है, नीडिल का एक्सिस है, दोनों के बीच का जो एंगल है इसको एंगल ऑफ डीप कहा जाता है। तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ नीडिल इन इक्विलिब्रियम इनसाइड मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। ये जो डेल्टा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और ये जो नीडिल है, नीडिल का ये एक्सिस हो गया, दोनों के बीच का जो एंगल है इसको एंगल ऑफ डीप कहते हैं। अब जैसा मैग्नेट है ये हमेशा अपने, क्योंकि मैग्नेट क्या है, एक डायपोल मोमेंट जैसा है, ठीक है, इसका अपना डायपोल होता है, डायपोल मोमेंट होता है, तो ये हमेशा अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ओरिएंट करने की कोशिश करता है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसी लाइन में कहीं होगा, या तो इधर होगा नीचे या ऊपर। मैं मान लेता हूं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो इधर है, तो इसके दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट आएगा, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट आएगा बी एच, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी कॉस डेल्टा, है ना, ये जो डेल्टा है एंगल ऑफ डीप है। उसी तरह से इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट जो आएगा वो नीचे आएगा, वर्टिकल कॉम्पोनेंट को लिखते हैं बी बी, यह आएगा बी साइन डेल्टा, ठीक है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को बी नोट लिख देता हूं मैं, सिंबल थोड़ा ऐसा कुछ दे देता हूं। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बी नोट है तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट हो गया बी नोट कॉस डेल्टा, वर्टिकल कॉम्पोनेंट हो गया बी नोट साइन डेल्टा, ठीक है।
तो ये कर सकते हैं कि जो बी नॉट होगा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, लेकिन अगर एंगल ऑफ डीप निकालना है इसका और इसका रिजल्टेंट ये है ना, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहां पर जो हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट है, हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट है इधर और वर्टिकल कॉम्पोनेंट है नीचे इस तरह से, यह है बी वी और इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, इधर आएगा बी नॉट, ये वाला एंगल जो है डेल्टा है। तो इसमें अगर टेन डेल्टा की वैल्यू निकालें, है ना, डेल्टा जो है एंगल ऑफ डीप है ये हमें निकालना है, तो टेन डेल्टा की जो वैल्यू है मैं लिख सकता हूं बी वी डिवाइडेड बाई बी एच, है ना, यहां से देख सकते हैं कैसे आएगा बी वी बाई बी एच। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं इससे तो बी नोट कैंसिल हो जाएगा, साइन डेल्टा बाई कॉस डेल्टा टेन डेल्टा आ जाएगा। यानी कि एंगल ऑफ डीप निकालना हो तो इसको निकाल लेंगे टेन इनवर्स वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डीप का नॉलेज जरूरी है क्योंकि कई सारे पॉइंट्स पर हमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा, हमें अर्थ का वर्टिकल कॉम्पोनेंट पता करना होगा। तो अगर एंगल ऑफ डीप का पता होगा और एक नेट वाली वैल्यू पता होगी तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट निकाल सकते हैं बी नॉट साइन डेल्टा से, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन पता होगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पता होगा और किसी कंडक्टर पर हमें फोर्स निकालना होगा तो इस इन्फॉर्मेशन को वहां पर यूज कर सकते हैं।